तो सभी को जय हिंद कैसे हैं आप सभी लोग जस्ट एक मिनट रुकेगा बस क्लास खुश होते हैं ऑन बस तो जय हिंद सभी को मेरा नाम है जिवेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका डिफेंस आपके जो पढ़ा रहा था ना उस फाइल में कुछ इशू हो गया था तो दोबारा से मेरे को सेंड करनी पड़ी तो कैसे हैं आप सभी लोग तो आज हम डिफेंस और मिलिट्री जीके पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा एक या दो क्वेश्चन आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के ऊपर आते ही आते हैं मेरे ख्याल से सभी लोगों को मेरी वॉइस सभी को साफ सुनाई दे रही होगी आई एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आपका ये सेशन जो है डिफेंस और मिलिट्री जीके पर बेस्ड होगा स्पेशली फॉर एफकेट क्योंकि एफकेट में इस बेस पर क्वेश्चन आपके आते हैं तो सबसे पहले अभी कुछ दिनों तक मेरी क्लास ना सवा दस बजे होगी दस पंद्रह दिनों बाद फिर ये आपकी प्रॉपर दस बजे हो जाए करेगी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि अभी तक इंडिया ने कितने एस फोर हंड्रेड को परचेज करा है ठीक है तो इंडिया ने अभी तक कितने S देखो फाइव एस फोर की डील हुई है हमारी रशिया के, के साथ तो अभी तक इंडिया को कितने मिल चुके हैं ये आइडिया है आप लोगों को अभी तक कितने एस फोर हंड्रेड इंडिया को मिल चुके हैं तो अभी तक एस फोर हंड्रेड इंडिया को कितने मिले हैं तीन एस फोर हंड्रेड मिले हैं कितने थ्री ओके okay, तो दो हमने ईस्टर्न लद्दाख में और एक पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने डिप्लॉय करे हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए थ्री इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइव की डील हुई है डील फाइव की हुई है लेकिन डिप्लॉय कितने रहे हैं अभी थ्री तो यहाँ पर देखिए आगे तो सबसे पहले एस फोर हंड्रेड एक्स फोर हंड्रेड में का जो नया नाम रखा है इंडियन एयरफोर्स को जो मिला है उसने एस फोर हंड्रेड ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है एस एम बोलते हैं और इसको जो ने नाम दिया है, वो क्या दिया है सुदर्शन दिया है ठीक है? है।, है, है, है तो टू थाउजेंड एन नाइनटीन में फाइव एस फोर हंड्रेड की डील हुई थी लेकिन थ्री ही मिल पाए क्योंकि उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गई और इस वजह से आपका बाकी के जो हमारे दो एस फोर हंड्रेड है वो अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं जो सबसे पहला एस फोर हंड्रेड हमने डिप्लॉय करा है वो आपका अगेंस्ट पाकिस्तान हमने डिप्लॉय करा है सबसे पहला जो एस फोर हंड्रेड है पाकिस्तान के अगेंस्ट है और दो हमने चाइना में सो तो चाइना के अगेंस्ट ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय कराए हैं ठीक है अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल, एयरलिफ्ट सिस्टम क्या होता है आईएनएस विक्रांत पर इसको यूज किया जाता है ठीक है इलेक्ट्रोमैगनेटिक देखिए आयन विक्रांत जो है हमारा ठीक है हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आई ठीक है आयनस विक्रांत और आयन विक्रम आदित्य है वैसे तो आई विक्रांत है और ध्यान रखिएगा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम इंडियन नेवी ने अपना स्पीड तेज करेगा 2030 तक हमें अपना इंडिजीनियस सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए इस पे अभी आपका मिग ट्वेंटी नाइन ऑपरेट करते हैं फिर आने वाले टाइम में तेजस का जो आपका वर्जन है नेवी वर्जन तेजस और आपका फ्रांस से डील चल रही है राफेल एम ठीक है इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इस पर यूज किया जाएगा अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट्स को काफी कम डिस्टेंस में ज्यादा से ज्यादा स्पीड देके टेक ऑफ करने के लिए आपका ये यूज किया जाता है तो ये आपका क्या है लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम वॉरशिप तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरसिफ्ट लिफ्ट सिस्टम हाँ ये देखो ये क्या होता है ना दो मैग्नेट को जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है ना दो मैग्नेट को सेम पोल को रख दो तो वो एक दूसरे से रिपल करती है बहुत स्पीड बुलेट ट्रेन भी इसी पे चलती है बुलेट यूज करके आपका यूज किया गया पहले हमारा जो अभी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है आई एन एस विक्रमादित्य उसमें भी ये सिस्टम नहीं है ठीक है उसमें क्या है उसमें आपका रैंप बना हुआ है यूएस जो यूज करता था पहले वो स्टीम पावर्ड यूज़ करता था लेकिन ये सबसे लेटेस्ट है स्टीम पावर्ड नहीं होता है। ओके ये चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी आपकी क्रूज मिसाइल है जल्दी करिए मेरे जल्दी करेंगे ग्यारह बजे मेरा एक और पेड़ बैच होता है तो जल्दी से तो ध्यान रखो अग्नि मिसाइल जो है आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा है आईसी ओके इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हिट करनी होती है आपका क्रूज मिसाइल है ठीक है आपका आपका क्रूज मिसाइल 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 है 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 धनुष शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक बैलिस्टिक ठीक खैर है? इस क्वेश्चन का आंसर ओनली टू होगा क्योंकि ब्रह्मोस ही आपका क्या है क्रूज मिसाइल है ओके ब्रह्मोस ही आपका क्या है क्रूज मिसाइल है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का थोड़ा स्पीड चीता चैता क्रुद्रा ओके और ध्यान रखिएगा भारत की रक्षा प्रणाली के संदर्भ में हेलीकॉप्टर की बात करें तो चीता चेतक इसमें से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर है तो ध्यान रखेगा चीता और चेतक ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है छोटे छोटे और बल्कि चेतक को तो अब रिटायर करने की बात चल रही है रुद्रा जो है आपका अटैक हेलीकॉप्टर है इसी तरीके से अः वर्ल्ड का सबसे हाइट पे लड़ने वाला अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड एच हिंदुस्तान एरोनोटिक लिमिटेड ने बना लिया है और हमने

बोलते हैं एयर डिफेंस के लिए यूज होते हैं तो ये आकाश क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल है सागरिका के अंदर से लॉन्च होने वाली मिसाइल है।, है, है तो उसको हम बोलते हैं इसको लॉन्च किया जाता है और निर्भय क्या है आपकी क्रूज मिसाइल तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थ्री वन फोर टू थ्री वन फोर टू यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मिराज टू थाउजेंड ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है एच एल तेजस डेल्टा विंग फाइटर जेट है राफेल इज अ हाइपरसोनिक फाइटर जेट देखो हाइपरसोनिक अभी तक तो कोई भी फाइटर जेट नहीं बना है हाइपरसोनिक मिसाइल बनी है तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गई तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई तो सी और डी ऑप्शन में नहीं होगा मिराज क्या ट्विन इंजन है नहीं मिराज एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है सिंगल इंजन है ठीक है और ध्यान रखिएगा मिराज हो पिग ट्वेंटी वन हो तेजस हो इनका जो आ, फ्यूजल आज है वो इस तरीके से बताया यानी डेल्टा विंग तो यहां पर भी आपका सेकंड ओनली इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आर्मी का जो काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल कहां पर सिचुएटेड है ठीक है आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल आपका कहां पर सिचुएटेड है जल्दी से बताओ मऊ गुलमर्ग बलकोहो वेरंगटे फटाफट जल्दी से बताओ आर्मी का जो काउंटर इंसर्जी स्कूल कहाँ पर है यहाँ पर जंगल वॉरफेयर को सिखाया जाता है जंगल में किस तरीके से लड़ाई करी जाती है इसको सिखाया जाता है तो आर्मी का जो आ, इसको बोलते हैं काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वेरंगटे मिजोरम में पढ़ता है किस में पढ़ता है वेरंगटे मिजोरम में इट इज सिचुएटेड इन वेरंगटे मिजोरम ओके नऊ में आपका तो बहुत सारी चीजें हैं मऊ में आपका आर्मी वॉर कॉलेज है मौमे क्या है आर्मी वॉर कॉलेज और आपका मऊ में और क्या पढ़ता है इन्फेंट्री स्कूल ठीक है स्कूल आपका पढ़ता है इन्फेंट्री अच्छा सियाचिन में जब इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है ओके तो उसको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है अक्लमेटाइजेशन के लिए ओके हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो आपका श्रीनगर गुलमर्ग में पड़ता है और आपका बल्कोहो में पढ़ता है स्पेशल फोर्सेस ट्रूपर स्कूल ठीक है एसटीएफएस बलको हिमाचल प्रदेश में पढ़ता है खैर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है ये जरा <coughs> स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी इसका फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई जल्दी अरे यार पीछे हो जाओ प्लीज आ, ओके नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ा नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलेंटिंग, तमिलनाडु आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे इन्फेंट्री स्कूल मऊ राष्ट्रीय मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री कॉलेज आर आई एम देहरादून आर्टलरी ट्रेनिंग देवलाली आर्मी ऑर्डर एंड स्कॉप स्कूल जबलपुर आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून आर्मी डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और एक और आपका पढ़ता है ओ चेन्नई में ओके ओ चेन्नई में देखो यहां पर आपको मैं दिखाता हूँ ये आपका इधर गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल स्पेशल फोर्सेस सुपर स्कूल ठीक है आपका बल को हो फिर आई एम ए और आई एन सी देहरादून में ठीक है फिर आपका काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वेरंगटे अच्छा यहां पर देखो मऊ में आर्मी वॉर कॉलेज ए डब्ल्यू सी ठीक है ए डब्ल्यू सी और आपका इन्फेंट्री स्कूल फिर यहाँ पर देवलाली में आपका क्या है आपका आटलर स्कूल है ए आर टी वाई आटलर स्कूल देवलाली महाराष्ट्र में पढ़ता है ये कैट्स क्या है कॉम्बैक्ट आर्मी ट्रेनिंग स्कूल यानी आर्मी के जो हेलीकॉप्टर पायलट है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिलाई जाती है ओके हाँ तो भाई इस सब के लिए फिर ओ टी ए चेन्नई है तो आप सभी जानते हो चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा फटाफट अगला क्वेश्चन आ रहा है ये आर्मी की कमांड है वेस्टर्न ईस्टर्न तो सात कमांड है इंडियन आर्मी की ठीक है चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया तो भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है और भाई सेशन को ना लाइक जरूर करना ओके जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया जल्दी से बताएं तो ही स्टूडेंट आंसर देते हैं मेरे वीडियो में क्या बात भाई बाकी सब क्यों नहीं देते जल्दी से बताओ ओल्डेस्ट पैरामिलिट तो एक गाना आपने सुना होगा बदलू राम का बदन जमी के नीचे है और हमें उसका राशन मिलता है फ्रेंड्स ऑफ हिल हिली पीपल 1835 में बनी थी और देखा जाए तो प्रॉपर प्रॉपर यही पैरामिलिट्री फोर्स है बाकी सारी जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है असम awesome राइफल्स आपका 1835 में इसको रेस किया गया था अच्छा सी जो है ये 1939 में बनी सी के बाद आपका आई बनी है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये 1962 में आपका चाइना वॉर के बाद फिर आपका बी 1965 में फिर आपका बी के बाद सी को बनाया गया था आपका 1969 में फिर एस आपका जो बनाई गई है 1998 में और जब आपका नेक्सलाइट प्रॉब्लम ज्यादा हो गई तो 2008 में आपका बनाया गया कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन खैर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी चलिए वेरी गुड आंसर देख रहा ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था देखो हमारे जो वीरता पुरस्कार है जिनको हम गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं तो गैलेंट्री अवार्ड आपके दो टाइम के दो टाइम होते हैं वॉर टाइम और पीस टाइम पीस टाइम में आपका अशो, अशोक चक्र देन शौर्य चक्र देन आपका कीर्ति चक्र ठीक है और वॉर टाइम में आपका परमवीर चक्र ठीक है परमवीर चक्र महावीर चक्र एंड आपका वीर चक्र ठीक है So, यहां पर आप देख रहे हो परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र ये आपके वॉर टाइम के हैं और जो शौर्य चक्र है ये आपका क्या है पीस टाइम का है तो यही आपका डिफरेंट हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच वोइंग इज दॉ कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड नहीं है इसमें से साउथ वेस्टर्न कमांड नॉर्थ ईस्टर्न कमांड सेंट्रल कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये एफ कैट में क्वेश्चन आया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड आर ट्रैक बोलते हैं इसको ये आपका कहां पर पड़ता है शिमला में पड़ता है कहां पर पड़ता है इट इज सिचुएटेड इन शिमला सेंट्रल कमांड आपकी कहां पड़ती है लखनऊ में पड़ती है सेंट्रल कमांड इज लखनऊ साउथ वेस्टर्न कमांड आपकी कहां पड़ती है जयपुर में पड़ती है बट आपकी नॉर्थ ईस्टर्न कमांड कोई नहीं इंडियन आर्मी की इंडियन आर्मी की केवल ईस्टर्न कमांड है जो कोलकाता में है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा एक्चुअली में जो रॉन्ग है ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड आपको मैं दिखा देता ओके इंडियन नेवी की कितनी कमांड है uh, क्या है इंडियन नेवी की तीन कमांड है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया सदर नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो ध्यान रखिएगा इंडियन नेवी की आपकी तीन कमांड है वेस्टर्न पे आपका मुंबई है सदन में आपका कोची है ईस्टर्न में आपका विशाखापट्टनम है तो यहां पर क्या पूछा सदन तो कोची ओके सदन नेवल कमांड आपकी क्या है कोची है ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये आपका है ये वेस्टर्न कमांड अच्छा, विशाखापट्टनम है, यहां पर आपका पढ़ता है वहन, ओके? और आई एन का सात स्कूल है तो लिख लीजिएगा वो वाइजेक विशाखापट्टनम में ही पड़ता है इंडियन एस इंडियन एस की सेवन कमांड्स है जिसमें से फाइव ऑपरेशनल है दो इसकी डिफरेंट कमांड है आपका बेंगलुरु में इसकी ट्रेनिंग कमांड है और नागपुर में इसकी मेंटेनेंस कमांड है ओके और इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड आपकी जो पड़ती है वो कहा इसकी कोई नॉर्दर्न कमांड नहीं है इंडियन एयरफोर्स की ध्यान रखिएगा इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड पड़ती है दिल्ली जहां से बालाकोट स्ट्राइक ईस्टर्न कमांड शिलोंग प्रयागराज में सेंट्रल कमांड गांधीनगर में आपका साउथ वेस्टर्न कमांड और आपका तिरुवंतापुरम केरल में आपका सदर्न कमांड इसकी पड़ती है ओके चलो आगे बढ़ते हैं आर्मी की अगर देखें तो आर्मी की सेवन कमांड्स है नॉर्दर्न कमांड उधमपुर वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर चंडीगढ़ साउथ वेस्टर्न कमांड आपका जयपुर कमांड पुणे सेंट्रल कमांड लखनऊ आर्कटेक आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला एंड ईस्टर्न कमांड कोलकाता ऐसे आपको टिप्स पे याद होना चाहिए इंडिया का टेक्टिकल लिफ्टर कौन सा है तो देखो ये आपका पोसाइडन जो है इंडियन नेवी से रिलेटेड है और ये जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का एक्चुअली इसको हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हम यूज करते हैं इल्यूशन 78 आपका एयर रिफ्यूलर है ठीक है ये आपका क्या है एयर रिफ्यूलर है और सीवेटी ग्लोब मास्टर ये आपका लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है खैर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है आपका सी वन थर्टी हरकुल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ठीक है आपका बहुत बड़ा और ये वन थर्टी जो है ये आपका किसी भी टेरेन में लैंड कर सकता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल बाय इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ओके नॉर्थ ईस्ट में तो ये कहां पर इसको, uh, तो ये ये पर इसको किया डोमबांग डोमबांग आपका कहा पड़ता है आपका सिक्किम में पड़ता है ओके okay? सिक्किम सी जो आई टी पी पी है ना ये भी काफी हाई पोस्ट को सिक्योर करती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एयरक्राफ्ट सॉरी हेलीकॉप्टर ये फाइटर है कॉप्टर है अपाचे चिनूक प्रचंड रुद्रा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट जल्दी से बताए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ने इसका आंसर दिया नो इट इज नॉट अपाचे ओके और चिनूक तो बिल्कुल भी नहीं है चिनूक में तो डबल रोटर होते हैं प्रचंड भी नहीं है इट इज रुद्रा ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आपका क्या है रुद्रा एयरक्राफ्ट है इट इज रुद्रा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट ये कौन सा एयरक्राफ्ट है डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है सिंगल इंजन है तो डेफिनेटली सुखोई तो नहीं होगा क्योंकि सुखोई ना ही डेल्टा विंग है और सुखोई जो है डबल इंजन है और मिग ट्वेंटी नाइन भी इसी तरीके का है डबल इंजन है तो यहाँ पे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है डेल्टा विंग है तो मिराज और तेजस ओके okay? मिराज और तेजस क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है आपका तेजस ओके okay? हमारे जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने जिसमें फ्लाई करा है ओके विच यूनियन आर्म फोर्स हैज रिसेंटली अनवीज इट्स न्यू इंसाइन किस यूनियन आर्म फोर्स ने अभी हाल ही में अपना नया प्रतीक चिन्ह लाया देखिए नाइनटी ऑफ अक्टूबर नाइनटीन को इंडियन रॉयल इंडियन एयरफोर्स बनी थी तब उसका सिंपल अलग था फिर बाद में जाके 1950 में 52 के बाद इंडियन एयरफोर्स ने दूसरा सिंबल लिया उसके बाद अब दोबारा बदला गया है इंडियन एयरफोर्स डे पर तो इंडियन एयरफोर्स टच स्काई विद ग्लोरी अब इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इस तरीके का होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ओके नेशनल वॉर मेमोरियल Uh, के ऊपर जो दिल्ली में है एक चैप्टर ऐड किया गया है सेवेंथ क्लास की एन बुक में जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है कि बारह दस बारह साल के बच्चे को बताया जाए कि उसके देश में कितने बहादुर लोग हुए हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो और सेशन को लाइक like और शेयर जरूर करें सेशन को लाइक like और शेयर जरूर करें और आप नंबर इंक्रीज करो यहाँ पर फटाफट जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हितेक सूरज सोनाली सुमित नरेंदर ओके okay, क्या होगा वट विल बी दंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो देखो ये ऑपरेशन है मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया पूये इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो ये जो देवी शक्ति है ये आपका 2021 में हुआ था जब आपका तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था फिर टू में आपका ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ ठीक है जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई ये आपकी फेबर 2022 की बात है फिर अभी इस साल शुरुआत में में ऑपरेशन दोस्त जनवरी 2023 जब आपका अर्थक्वेक था मैसेवे अर्थक्वेक फिर आपका कावेरी कावेरी क्या है आपका ये एक मई के मंथ में हुआ था सूडान से हमारे मतलब सूडान में सिविल वॉर हो गई थी वहाँ से इंडियंस को एक्सड्रेट करने के लिए और आपका अभी जो है लेटेस्ट वह है ऑपरेशन अजय जो आपका इसराइल से हमारे इंडियंस को लाने के लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देवी गंगा दोस्त कावेरी अजय देवी गंगा दोस्त कावेरी अजय तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू वन थ्री टू वन थ्री टू वन थ्री ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्किन सर्वोत्तम सुरक्षा है अपने माथे का नक्शा है हम है ना है ना हिंदुस्तान हम एक रंग है फिर भी संग है तीन रंग का एक निशा हम है ना है ना हिंदुस्तान तो ध्यान रखेगा इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडोस ट्वेंटी को इसको रेज किया गया था एन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आइकॉनिक मुंबई अटैक जिसमें नरीमन हाउस में हमारे जो एन एस जी के कमांडो स्लिदरिंग हैं ठीक है ओके रिसेंटली okay, यशस्वनी इन दी न्यूज यशस्वनी आपका न्यूज में था तो ये यशस्वनी क्या है राजदीप सिंह ऋतिक सोनाली निशु एस्पिरेंट सूरज बताओ भाई तो यशस्वनी क्या है यशस्वनी जो है सीआरपीएफ की वुमेन बाइक कंटिजेंट है ठीक है ओके okay, सीआरपीएफ की क्या है वुमन बाय कंटिजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ डोमेस्टिकली डेवलप्ड अल्टरनेटिव सिस्टम टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंडिया मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब जो विंडोज है या आई होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बिल्कुल इनका यूज बंद कर दिया और उन्होंने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसको नाम दिया गया है माया ओ एस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन ओके okay, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर उ मेनी मार्क टू ड्रोन्स ओके अभी हमने इसराइल से मार्क टू ड्रोन बोरोज करे हैं बोरोड तो uh, तो बास की तो डील हुई है हमारी किसके साथ यूएसए के साथ जो फाइनलाइज हो जाए और नेक्स्ट ईयर हमारे पास एम क्यू नाइन बी रीपर ड्रोन आ जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हाउ मेनी फ्लीट सपोर्टशिप देखो जैसे आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो एक बिग मैसिव शिप होता है इसको सपोर्ट करने के लिए इसके साथ फ्लीट शिप कर चलते हैं जो इसका प्रोटेक्शन भी करते हैं ठीक है तो अभी कितने आपके फ्लीट शिप प्राण कर रहे हैं तो फाइव जो आई विक्रम विक्रांत के साथ इस तरीके से मूव करेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सुखोई थर्टी तेजस अपाचे सी सेवनटीन ग्लो मास्टर ये इनकी फेमस क्या है ये इनकी फेमस क्या है आपकी वो है ये स्क्वाडन जैसे सुखोई 30 एम टाइगर शार्क अगर आपसे पूछा जाए कि सुखोई की वो कौन सी स्क्वाडन है विच स्क्वाडन जो आपका ब्रमोस इक्विप है क्योंकि अब सुखोई फाइटर क्राफ्ट से ब्रह्मोस को लॉन्च किया जा सकता है तो वो आपकी है टाइगर शार्क स्क्वाडन नंबर ट्रिपल फिर तेजस की जो सेकंड स्क्वाड्रन है फ्राइड मतलब जो अभी तक इंडियन एयर फोर्स में अभी ये तक एक ही पर्सन को परमवीर चक्र मिला है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सेखो तो निर्मलजीत सिंह सेखो फ्लाइंग ब्लड स्क्वाड्रन नंबर 18 ओके तेजस की स्क्वाड्रन है अपाचे की जो है ग्लेडिएटरस और जो आपका ग्लो मास्टर है स्काई लॉर्ड जो आपका स्क्वाड्रन नंबर 81 है मेरे घर के पास ही डिप्लॉयड है इंडियन एयर में और जब भी कहीं पे भी नेचुरल क्लामिटीज होता है या कहीं पे भी कोई ऑपरेशन लॉन्च करना होता तो C17, है तो सी सेवनटीन ग्लो मास्टर को ही लॉन्च किया जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर वन ठीक है फोर वन थ्री टू ठीक है फोर वन थ्री टू ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन हो गया चलो

तो इसका नाम है आपका सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी रेजिमेंट प्रेजिडेंट बॉडी गार्ड पी बोलते हैं इसमें आपको इंक्लूड करने के लिए दो ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नंबर वन आपकी हाइट सिक्स फुट होनी चाहिए नंबर टू आप पैराट्रूपर होना चाहिए ओके नेक्स्ट पॉइंट हु इज द डिजाइनर ऑफ परमवीर चक्र विक्रम रामजी खल्लोलकर सावित्रीबाई बाई खल्लोलकर मेजर जनरल हीरा लाल अटल फील्ड मार्शल के एम करेपा तो आपका परमवीर चक्र अशोक चक्र महावीर चक्र शौर्य चक्र वीर चक्र और कीर्ति चक्र इनको किसने डिजाइन करा है तो ध्यान रखेगा स्वीडन की लेडी थी सावित्री बाई खल्लोलकर इन्होंने इसको डिजाइन करा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मार्कोस एनर्जी गरुडा पैरासेफ ये इंडिया की प्रीमियम फोर्सेस है मार्कोस मरीन कमांडो फोर्स ओके आ, अभी ये वर्ल्ड की नंबर सेकंड या फर्स्ट में आती है मरीन कमांडो फोर्स इसको रेस किया गया था 1986 में नेशनल सिक्योरिटी ओ एक सॉरी एक छोटा सा है इसको जो लॉन्च किया गया था मार्कोस को नाइन्थ uh, nine... है फिर दोबारा गलत कर दिया 1987 में इसको लॉन्च किया गया था ओके okay, 1987 एनएसजी 1986 गरुड़ा जो लेटेस्ट है 2004 पैरा एसएफ आपका 1966 ओके okay? पैरा सब आपका 1966 में इसको किया गया था तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा व्हाट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो ए का मार्कोस uh, ए का फोर एनर्जी का थ्री गरुड़ा टू पैरा सब फोर थ्री टू वन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी ओके okay, इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की कमांड बताओ मैच दो जल्दी 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 फटाफट तेजी के साथ इंडियन आर्मी की कितनी है इंडियन एयरफोर्स की कितनी है इंडियन नेवी की कितनी है और नेशनल कमांड अथॉरिटी न्यूक्लियर वेपन को अगर इंडिया कभी लॉन्च करेगा तो नेशनल कमांड अथॉरिटी की उस उसपे क्या होनी चाहिए आ, उस पर डिक्लेरेशन होनी चाहिए उसकी चलो बताओ वट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हम्म तो ध्यान रखिएगा इंडियन आर्मी की आपकी कितनी कमांड है सेवन इंडियन एयरफोर्स की सेवन कमांड है लेकिन ऑपरेशनल पांच है ओके इंडियन नेवी थ्री और ये आपका यह है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर होगा ओके ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रुद्रम ए सेट नाग धनुष तो रुद्रम जो है आपका एंटी रेडर मिसाइल है एनिमी के जो कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स होता है क्योंकि एनिमी का जो कम्युनिकेशन सेटअप होगा वो रेडियो वेव तो एमिट करेगा उसको डिटेक्ट करते है एनिमी के कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स को ही डिस्ट्रॉय करती है ये रुद्रम <coughs> ठीक है? तो रुद्रम इसको अरे बार बार इसको एंटी रेडार मिसाइल ए सेट जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल नाग एटीजीएम है और धनुष जो है आपका बैलिस्टिक मिसाइल है तो टू टू फोर ओके okay, ये तो ऑप्शन कोई बैठे ही नहीं इसमें इस वजह से ये ऑप्शन गलत है ओके टू फोर थ्री टू फोर वन थ्री चौबीस तेरह इसका आंसर होगा ठीक है ये ऑप्शन गलत है चौबीस तेरह इसका सही आंसर होगा ठीक है ऑप्शन गलत है हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक ये किसने कंडक्ट किया था ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक ये किसने कंडक्ट किया था ओके, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके व्हाट विल बी आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्दर्न कमांड वेस्टर्न कमांड सेंट्रल कमांड या नॉर्थ वेस्ट कमांड ओके वट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

ये आपका क्रूज मिसाइल है मीटियोर क्या है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है हैमर ग्राउंड अटैक मिसाइल है माइका आपका एयर टू एयर इंफ्रारेड यानी हीट सीकिंग मिसाइल है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एयर टू एयर रिफ्यूलर कौन सा इंडियन एयरफोर्स का तो आईएल 178 ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये है आईएल 178 एयर टू एयर रिफ्यूलर फिर है आपका ये है C17 ग्लो मास्टर नहीं ये C17 ग्लो मास्टर हाँ ये C17 ग्लो मास्टर है लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है फिर ये सी वन थर्टी सुपर ओके चलो इसके बाद आपका ये दो एयरक्राफ्ट है अब देखो ये तो आपका तेजस है दो तो सिंगल इंजन डेल्टा विंग ये आपका सिंगल इंजन डेल्टा विंग वो आपका कौन सा है वो है आपका मिराज ठीक है दिस इज तेजस दिस इज मिरास 2000 दोनों डेल्टा विंग है डेल्टा विंग समझ लीजिएगा इसी तरीके से मिग 21 ये अब दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट ना ये वाला रिटायर हो गया ये अभी भी है जैकवार अगर इंडिया कभी न्यूक्लियर वेपन को यूज करेगा तो जैकवार को यूज़ करेगा ये ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है मिग ट्वेंटी के बाद इसको हम जरूर करेंगे ओके तो ये आपका जैकवार है इसको शमशेर के नाम से बुलाया जाता है इंडियन एयरफोर्स में किस नाम से शमशेर और मिग ट्वेंटी सेवन ये टू थाउजेंड नाइनटीन में इसको डी कमीशन कर दिया गया इसको बहादुर के नाम से बुलाया जाता था ये इंडिया का डी पेनिट्रेशन फाइटर क्राफ्ट है इंडियन नेवी भी यूज करते हैं इंडियन एयरफोर्स भी इसको यूज करते हैं ये है मिग ट्वेंटी ये न्यूज में इतना है क्योंकि कश्मीर में अगर आपसे पूछा जाए कश्मीर में मिग ट्वेंटी वन को किससे रिप्लेस किया गया, गया है तो मिग ट्वेंटी नाइन से इसको रिप्लेस किया गया है किससे इतना हाँ ठीक हा, है हाँ, क्या है चलो ठीक है आ, ट्रेंडिंग शॉर्ट वीडियो सर तो आपकी सिस्टर को कोई ऐसा कहेगा ना तो आपको भी बुरा लगेगा ठीक है हाँ कभी कहने से पहले अपनी सिस्टर के बारे में भी सोच लेगा आपकी भी सिस्टर होगी आपको कोई इस तरीके से बोलेगा तो वो होगा ऐसे नहीं करते हैं ओके okay. तो छोड़ो दफा हो गया ओके okay. आगे बढ़ते हैं ये दो फाइट एयरक्राफ्ट है आप देखो यहाँ पर ये सुखोई इंडिया का एयर सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट है सुखोई थर्टी ओके ओके ये इंडिया का क्या है एयर सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट है और मिंग ट्वेंटी नाइन डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट है ठीक है सुखोई जो है ना अगर कोई अटैक आता है तो उसको कंटेन करने के लिए इसकी स्पेशलाइजेशन है ये जो मिग ट्वेंटी वन है ये तेजी से अंदर जाके जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर होता है ना जाओ हिट करो और आ जाओ ओके चलिए hmm. और तो आज का ये सेशन हो गया भाई ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं दस अक्टूबर से शुरू हो गया है दस अक्टूबर से नहीं बल्कि ये आपका इक्कीस नवम्बर से शुरू हुआ है ठीक है इक्कीस नवंबर यहाँ पर डेट आपकी हो रही है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपका एक दिसंबर को शुरू होगा और ये एफकेट का जो है ना ये आपका यहाँ पे दस अक्टूबर लिखा हुआ है दूसरा बैच है दरअसल गरुड होना चाहिए नाम है ये आपका शुरू हो गया इक्कीस नवम्बर से ठीक है और अभी क्या चल रहा है आपका डबल वैलिडिटी चल रहा है तो जो भी अगर कोर्स ज्वाइन करें तो वाई वन नाइन वन डिस्काउंट कोड को यूज करके आप हमारे डिफेंस मेगा पैक को लेना क्योंकि जितने में आप एक बैच लोगे उतने में आप मेगा पैक ले लोगे एक साल के लिए ठीक है तो सिक्स मंथ का लोगे आज तो सिक्स मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा दो साल के लिए और ट्वेल्व मंथ का लोगे तो ट्वेल्व मंथ का मिलेगा आपको दो साल के लिए इसमें आपको सभी क्लासेज एफकेट सी डी एस ए पी एफ एन डी ए टेरिटोरियल आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो जितने भी डिफेंस एग्जाम है सबकी क्लासेस मिलेगी और आपको लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स ई बुक्स ये सभी चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का लिंक है इसको ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि इस लिंक पर जाकर ही आप मेरे इस लेक्चर की पी ले पाएंगे ओके और हमारी ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर डेली क्विज मैगजीन नोट्स आर्टिकल्स जॉब अलर्ट्स सब्जेक्ट वाइज क्विज पावर वीडियो कोर्सेज और आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहें तो कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकेंगे ओके तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा दूसरी चीज ध्यान रखेगा अभी मेरे बाद क्लास है बिल्कुल मैथ के सरल तरीके से मैथ को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे कंसेप्ट को क्लियर समझ के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करा जाता है तो अभी 11 बजे ठीक है अभी 11 बजे हमारे आदरणीय अंकित सोलंकी सर की क्लास है तो बिल्कुल 11 बजे जरूर जुड़िएगा मैथमेटिक्स क्योंकि देखो कैट का एग्जाम है ना उसमें दो ही सब्जेक्ट आपको पार कराएंगे जी तो बेवफा है बेवफा थी और बेवफा रहेगी मैथ और रीजनिंग ये आपको बेड़ा पार कराएंगे तो इनकी क्लास में सभी के सभी स्टूडेंट अटेंड करिएगा मैं मिलता हूं आपसे दोपहर तब तक